हमारी प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश क्रूस की भाषा। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो अध्याय 5 पद 8। पास्टर टिम केलर ने कहा किसी के बताए जाने पर कि वह कौन है कोई भी कभी नहीं सीखता है, उन्हें दिखाया जाना चाहिए। एक अर्थ में यह कहावत का एक अनुप्रयोग है। कार्य शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। पति या पत्नी अपने जोड़े में से एक को दिखाते हैं कि जब वे उनकी सुनते हैं और उन्हें प्यार करते हैं तब उनकी सराहना होती है। माता पिता अपने बच्चों की प्रेमी देखभाल करके दिखाते हैं कि वे मूल्यवान हैं। कोच एथलीटों के विकास में निवेश करके उन्हें दिखाते हैं कि उनके अंदर संभावनाएं हैं। और इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। इसी प्रतीक के द्वारा एक अलग तरह की कार्रवाई लोगों को दर्दनाक चीजें दिखा सकती हैं जो बहुत बुरे संदेश का संचार करती हैं। सृष्टि में सभी कार्य आधारित संदेशों में से एक सबसे अधिक मायने रखता है। जब हम चाहते हैं कि हमें दिखाया जाए कि हम परमेश्वर की नज़र में कौन हैं, तो हमें उसके क्रूस पर उसके कार्य से आगे नहीं देखना चाहिए। रोमियो अध्याय 5 पद 8 में पौलुस ने लिखा, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्रूस हमें दिखाता है कि हम कौन हैं जिन्हें परमेश्वर इतना प्यार करता था कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र दे दिए। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। एक भंग संस्कृति में टूटे हुए लोगों के मिश्रित संदेशों और भ्रामक कार्यों के खिलाफ परमेश्वर के हृदय का संदेश स्पष्ट होता है। तुम कौन हो? आप वह है जिसे परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। उस कीमत पर विचार करें और उस अद्भुत वास्तविकता पर कि आप उसके लिए हमेशा महत्वपूर्ण थे। आप अपने महत्व को कैसे परिभाषित करते रहे हैं? परमेश्वर जो मूल्य आपको दिया उसको समझने के बदले में आपको कौन से संदेश को त्यागना है या स्वीकार करना है? पिता, मैं कभी नहीं समझ सकता कि आप मुझे इतना प्यार क्यों करेंगे या मुझे क्षमा करने के लिए अपने पुत्र को दे देंगे। आपका प्यार समझ के बाहर है और आपका अनुग्रह अद्भुत है। मुझे अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। लेखक बिल क्राउडर। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 18 दिसंबर 2020। धन्यवाद।